Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video, I'm going to talk about Mucinex Tablet 600 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, video को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा खुद से न ले, सेल्फ मेडिकेशन न करे, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करे। आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है म्यूसिनेक 600 एमजी टैबलेट। फ्रेंड्स म्यूसिनेक 600 एमजी टैबलेट एक इफोवेसेंट होता है। यहाँ पे इफोवेसेंट को बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इफोवेसेंट बोलते हैं, हालांकि सी साइलेंट होता है। आपको क्या बोलना, इफोवेसेंट। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, अब सवाल ये उठता है कि आप पूछोगे ही कि सर इफोवेसेंट क्या होता है। तो इफोवेसेंट वो टैबलेट होता है जिसको जब हम पानी में डालते तो वो उबलना शुरू कर देता है। अब ये भी समझ में नहीं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप इनो लाते हैं, उसके एक ग्लास पानी में डालते क्या करता, खदकना शुरू हो जाता है ना। उसी तरह से ये टैबलेट इफरवेसेंट का मतलब वही होता है कि जिसको आप पानी में डालते हैं वो खदकता नहीं, CO2 को रिलीज करता है। ठीक है, और मेडिकल टर्म में बात करते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या क्या कंट्राइंडिकेशन होने चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इंडिया के बहुत ही इंडिया में नामी ये कंपनी रह चुकी है, सिप्ला, जो बहुत ही नामी है। ठीक है, एक हाईली रेपुटेड कंपनी है ये। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। दिस मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसकी एक स्ट्रिप में लगभग 10 टैबलेट होते हैं और जिसकी कीमत लगभग 266 से लेकर 270 के आसपास में आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जब मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स होता है, एसिटाइल सिस्टीन, और जो कि एक ऑरेंज फ्लेवर में आता है और ये शुगर फ्री होता है, इसमें शुगर नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम लोग इसकी यूसेज के बारे में, किसी यूसेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि आरटीआई मतलब समझ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर बहुत सारे आते हैं जिसमें अस्थमा भी आता है, लेकिन उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें डॉक्टर के पूछने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम सेकेंडली उसे समझते हैं, एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन होता है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। अब जो म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा तो म्यूकस जाहिर सी बात हमारे चेस्ट में वो प्रोड्यूस होगा, तो हमारे जो फेफड़ा जो है, लंग्स जो है, उसमें ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ठीक है हम लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये समझाऊँ कि आपको ये म्यूकस काम क्या करेगा, तो आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, म्यूकस का काम होता है कि उस फेफड़े में जो हमारा जो लंग्स होता है उसका अल्वियोलाई होता है। अल्वियोलाई मतलब एयर सैक, जहाँ से हवा जाती आती है, अब उसमें म्यूकस जमा हो जाएगा, थिक म्यूकस जमा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप सांस ले पाओ, नहीं ले पाओगे, लेने में परेशानी होगी। तो उसको रिमूव करने के लिए, तो पहला आपको ये समझ में आना चाहिए कि आरटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक कंडीशन पेशेंट में जब बनता है सिस्टिक फाइब्रोसिस तब इसका इस्तेमाल करता है, उसको रिमूव करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का काम क्या होता है, तो म्यूकस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा तो हमारे लंग्स में जो म्यूकस बन जाएगा, कुछ ही बढ़ जाएगा, तो क्या सांस लेने परेशानी हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट बात का शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस ले, एसओ भी एक तरह का भी लंग्स से ही जुड़ा हुआ, फेफड़ों से ही जुड़ा परेशानी है। जब शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग हो जाए, ठीक है, सांस लेने परेशानी, तब भी इसका इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फिसीमा को ही दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि सांस लेने परेशानी होती है, हमारे जो लंग्स होते हैं जिसके माध्यम से हवा जाते हैं, एयर सैक जिसको अल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाता है। जिसे जनरली समझो ना कि ये मेरे नाक है, अगर मैं इसको बंद कर दूँ क्या आप हवा जा पाएंगे ना, नहीं ना। ठीक उसी तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर अल्वियोलाई होता है और उसी के माध्यम से हवा का एक्सचेंज होता है, और वही बंद हो जाता है, क्या हमारे चेस्ट में हवा जा पाएगा, चेस्ट प्रॉपर ढंग से फूलेगा, नहीं फूलेगा। तो उसी को ठीक करने के लिए भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर डॉक्टर द्वारा किया था या हम लोग भी करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ करते हैं। डे इन्फेक्शन मैंने क्या बताया, डे इन्फेक्शन मैंने बताया कि एस ओ बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। फिर आपको आपको बताया सी ओ पी डी या जिसको इम्फीसीमा भी कहते हैं, ठीक है, जिससे सांस लेने परेशानी होता है, अल्वियोलाई जो होता है एयर सैक होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रोंकाइटिस भी इसके अंतर्गत आ सकता है, ब्रोंकाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स जनरली आप सीधा एक ही बात को समझो, उतना घुमा फिरा के ना एकदम शॉर्ट में बात करें, टू रिमूव म्यूकस, म्यूकस को, थिक म्यूकस को रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और मैं एडिशनल इसका जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जब पैरासीटामोल पॉइजनिंग होता है, जब पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का म्यूसिनैक, ठीक है, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा खा ले तो उसको, जैसे आप खाना ही ज़्यादा खा ले तो पचाने के लिए तो कुछ तो लेते हो ना, जैसे हजमोला वगैरह हो गया, इनो हो गया, गैस बनता है तो गैस का तो पचाने के लिए जाइम लेते हो, ठीक उसी प्रकार से जब पैरासीटा की मोल की डोज ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम म्यूसिनैक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या हम लोग करते हैं उसमें एसिटाइल सिस्टीन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये एडिशनल जानकारी तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग बात करें कंट्रा इंडिकेशन की। कंट्रा इंडिकेशन कहने का मतलब किसको नहीं देना है और किस चीज़ के साथ नहीं देना है। तो फ्रेंड्स जनरली अस्थमा के पेशेंट को आपको नहीं देना है, अस्थमा के पेशेंट को आप खुद से नहीं चला सकते, अस्थमा के पेशेंट, फिर प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसको ना दीजिए कंट्रा इंडिकेशन, डॉक्टर अपनी जानकारी के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो फ्रेंड्स जनरली इसका साइड इफेक्ट होता है फीवर, फीवर थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हेडेक होगा, हेडेक थोड़ा बहुत रहता है, फिर बोलते हैं कि नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मुचलाएगा, उल्टी करने का दिल करेगा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा स्किन पे रैसेस वगैरह भी आ जाएंगे, सारे स्किन पे थोड़ा बहुत रैसेस भी आ सकता है, इसका ऐसा साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस कहने का मतलब गैस्ट्रिक स्ट्रेसन, हो सके थोड़ा सा आपको गैस भी ये मेडिसिन बना सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइड इफेक्ट आसानी से समझ में आ गया। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको सही ढंग से प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स ये आपके साइड इफेक्ट समझ में आएगा। अब चलिए अगर बात करते हैं इसका डोजेज के बारे में, इसको लेना कैसे होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप एसी भी ले सकते हो, पीसी भी होता है। एसी पीसी कहने का मतलब समझिए एंटीसिबोस और पोस्ट सिबोस। एंटीसिबोस कहने का मतलब होता है भोजन से पहले, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, पोस्ट सिबोस मतलब खाना खाने के बाद, दोनों तरीके से। जैसे बोलते हैं ना गैस को लोग गोली बोलते हैं खाली पेट खाइए, ठीक है, इसके लिए, लेकिन इसमें आप दोनों तक खाली पेट भी इसको खा सकते हो, खाना खाने के बाद भी इसको आप ले सकते हो। लेकिन लेना कैसे उस चीज़ को समझिए, आपको इस एक ग्लास पानी लेना है, उसमें इस टैबलेट को डालना है, टैबलेट जैसे ही CO2 रिलीज करे उसे तुरंत जस्ट बाद इसको गल्प करके पी जाना है। तो फ्रेंड्स ये इसके डोजेज, इसको आप दो बार ले सकते हो दिन में, सुबह शाम वन इंटू बीडू इसको आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आओ, मैंने अच्छे तरीके से नैरेट किया आपको समझाने के लिए। अब फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड्स अगर इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।